किराएदार ने किया मकान पर कब्जा, डीएम से लगाई मकान खाली कराने की गुहार। बरेली थाना बारादरी के जोगी नवादा के रहने वाले राम भजन शर्मा ने 20 माह पहले अपने घर में मीरगंज के रहने वाले निर्मल गुप्ता को किराए पर रख लिया था। निर्मल गुप्ता ने अपने आप को आरटीओ का कर्मचारी बताया था। बाद में पता लगा कि निर्मल गुप्ता अवैध वसूली करते हैं और ठगी करता है। राम भजन ने निर्मल गुप्ता से मकान खाली करने को कहा तो उसने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। राम भजन ने डीएम से मकान खाली करवाने की गुहार लगाई है। राम भजन शर्मा, क्या अरे साहब, हमारे घर में एक किराएदार रहता है 20 महीने से। पहले ड्राइवर बन के आया था, अब वो दलाली करता है और हमसे कहता है कि हम मकान खाली नहीं करेंगे, तुम खाली करोगे। और धमकाता, गोली मारने की धमकी देता और बहुत बहुत गालियां देता और कहता है रुपए लेके तब खाली करूँगा, तुम रुपए दोगे मुझे रंगदारी के तब मैं खाली करूँगा। कितने वर्षों से रह रहा है? 20 महीने से। वो पड़ोस में ही रहता था हमारे, तो वहाँ से आ गया था। अधिकारियों शिकायत करी, SSP के यहाँ भी पहुँची है, DIG के यहाँ पहुँची है, बारादरी में पहुँची है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कह रही है वो? हमसे कह रहा तुम खाली करोगे अगर किसी की बस की बात, किसी के बाप की बस की बात हो तो वो खाली करा ले। और चाबी चाहिए, मकान की चाबी मांगता रोज हमसे। कब्जा करना चाह रहा है? हाँ, वो कब्जा करना चाह रहा है। 1 लाख रुपए रंगदारी, 1 लाख रुपए रंगदारी का मांग रहा, कह रहा पैसे दो तो खाली करूंगा, नहीं तो तुम्हारे बस की वरना खाली करा लो। अधिकारियों से बात करी, क्या आश्वासन मिला? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला हमें कहीं से। NG न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।